वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तेर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत करते हैं भागवत संदेश कार्यक्रम में। पिछली बार हमने भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का तीसरा चौथा और पांचवा श्लोक तीन श्लोकों को चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा किया भागवत रसमालय में रस से कृष्ण प्रेम रस से भरा हुआ है और इस भागवत की वक्ता सुखदेव गोस्वामी उनके सभा में परीक्षित महाराज के साथ में सुत गोस्वामी पाठ बैठ के सुन रहे थे। जो उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से सुना उसी चीज को जब सुत गोस्वामी पास आए नैमिषारण्य लखनऊ के पास, नैमिषारण्य कानपुर के पास है, लखनऊ के पास है, तो आप उस नैमिषारण्य में जाएंगे। अभी भी वो जगह है जहाँ 88,000 ऋषियों ने बैठ के सुत गोस्वामी पाद से प्रश्न पूछे थे। पहले अध्याय में आपको 6 प्रश्न प्राप्त होते हैं जो नैमिषारण्य की ऋषियों ने, शौनकादि ऋषियों ने, नैमिषारण्य के ऋषियों का नेतृत्व करने वाले थे शौनक ऋषि, शौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी पाद से 6 प्रश्न पूछे। ये कहाँ पूछे थे? नैमिषारण्य में। और सुत गोस्वामी पाद कहाँ से भागवत सुन के आ रहे हैं? वो आ रहे हैं शुक्रताल से, जहाँ शुक्रताल जो है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को परीक्षित महाराज को कहा, तो उस जगह से सुत गोस्वामी पाद भी नैमिषारण्य पहुँचे। नैमिषारण्य पहुँचते पहुँचते सारे ऋषियों ने उनको बड़े आदर के साथ प्रप्रचुरिदमादरात उनको सत्कृतम सुतमासीनम एक ऊंची आसन में बैठाए। व्यासपीठ में ऐसे बोलने वालों को आसन थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, और उस आसन को क्या कहा जाता है? व्यास आसन कहा जाता है, क्योंकि व्यासदेव के सिद्धांत को ही उधर बैठ के बताना होगा, इसलिए उनका नाम है व्यास आसन। भले उसके ऊपर कोई भी बैठे, लेकिन उस आसन का नाम तो व्यास आसन रहेगा। तो सबसे पहला सुत गोस्वामी पाद को एक ऊंचे आसन में बैठा है जिनका नाम है व्यास आसन। बैठा के प्रप्रचुरिदमादरवात बड़े आदर के साथ में कुछ पूछने लगे। क्या पूछने लगे? तो आज हम चर्चा करेंगे। पांचवें श्लोक के छठे श्लोक में, पहला स्कंद का पहला अध्याय छठे श्लोक में ऋषयः ऊचुः, यानी ऋषयः ऊचुः मतलब सारे ऋषियों ने पूछा। सारे ऋषि पूछने लगे तो कैसे रहेगा इतना जो आवाज होगा? सारे ऋषियों के जो नेतृत्व करने वाले जो शौनक ऋषि ने, उन्होंने पूछा, यानी दूसरे शब्दों में ऋषियों ने पूछा। क्या पूछा? पूछने से पहले उन्होंने सुत गोस्वामी पाद का गुणगान किया। श्री सुत गोस्वामी पाद का गुणगान करते हुए सबसे पहले उन्होंने कहा, त्वया कुल पुराणानि से इतिहासानि चानक आख्यात्यानदीतानि धर्मशास्त्राण्यान्युता। तो उन्होंने कहा, त्वया कुल पुराणानि, हे सुत गोस्वामी पाद, आपकी महिमा अगाध है, आप पुराणों को भी जानते हो। त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि, इतिहास सारे इतिहासों को जानते हो आप। पुराण इतिहास, ये दोनों क्या है बताइए? दोनों हिस्ट्री है, दोनों हमारे जो हिस्ट्री है, इतिहास, इतिहास का क्लास हिस्ट्री, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिस्ट्री। तो हमारा देश का वास्तविक हिस्ट्री है रामायण महाभारत नामक इतिहास और अन्य पुराण, ये इस देश का वास्तविक हिस्ट्री है। लेकिन
हम आजकल के जो टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री के नाम पे चल रहा है वो हमारा हिस्ट्री नहीं है, वो हिज स्टोरी है, किसी और ने लिखा है हमारे देश के बारे में, किसी और ने लिखा। कैसे लिखेगा? अपनी दृष्टिकोण से लिखेगा, अपनी अपनी मनगढ़ंत धारणा से लिखेगा। तो इस देश में, भारत देश में, अगर सबसे बड़ा झूठ अगर पढ़ाया जाता बच्चों को, वो है हमारा इतिहास, स्कूल कॉलेज में चलने वाला इतिहास। उधर कहा जाता है रामायण झूठ है, उधर कहा जाता है महाभारत झूठ है, महाभारत नामक युद्ध नहीं हुआ। लेकिन किसके बारे में पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है मुगलों की सेना, ये हमारे ऊपर राज किया, कैसे राज किया और किस प्रकार उन्होंने भलाई किया, मंदिरों को तोड़ तोड़ के। ये इतिहास के रूप में प्रचलित हो रहा है आजकल, लेकिन बिल्कुल वो इतिहास नहीं है। क्योंकि एक देश के विषय में उस देश का व्यक्ति ही उसको बराबर सही तरीके से कह सकता है। अंग्रेजों ने इस भारत का चरित्र का रचना किया, इतिहास का रचना किया, वो हमको नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने ऐसा लिखा कि भारत में पुराने जमाने में लोग आदिवासी रहा करते थे, इनको कपड़ा भी पहनना नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, हमने आके सिखाया। वो कहते थे इधर कुछ द्रविड़ करके रहते थे, उनको तो कुछ खाना पकाना भी नहीं आता, जंगली लोग थे। हम आर्य है, जर्मनी से आए हैं, हम आर्य है, यूरोप से आए हैं, और उनको रहन सहन सब सिखाया हमने। अब देखिए कितना बड़ा झूठ है वो। 5,000 साल पूर्व महाभारत की रचना हुई और उस समय हस्तिनापुर का वर्णन, अनेकों अनेकों बड़े बड़े राजाओं का वर्णन, उस समय के साहित्य देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये भारत कितना महान है। हम कहते हैं ना मेरा भारत महान, लेकिन अगर आप इतिहास के ग्रंथों को देखेंगे जो आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो भारत को बहुत निकृष्ट रूप में उनको उधर दर्शाया गया है। वो का कारण क्या है? वो ना महाभारत को मानना चाहते ना रामायण को मानना चाहते। लेकिन आप देखिए मथुरा नामक अभी भी आज भी एक स्टेशन है, कुरुक्षेत्र नामक एक रेलवे स्टेशन है, एक शहर बसा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? उधर एक ऐतिहासिक घटना घटी, उसके आधार पर ग्रंथ की रचना की गई है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य सत्य है, भगवान रामचंद्र का प्राकट्य अयोध्या में सत्य है। तो इतिहास और पुराण ये हमारे वास्तविक हिस्ट्री है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस देश का अगर कोई भला करना चाहता है तो उनको बच्चों को रामायण और महाभारत पढ़ाओ, पढ़ा के तो ये सत्य है। देखिए आप अगर पढ़ाओगे कि एक राजा उनकी पिता को जेल में डाल के खुद राजा बन गया, ये इतिहास पे अगर ये स्टोरी पढ़ाओगे तो नाम नहीं लूंगा आपको मालूम है। दूसरी ओर पढ़ाओगे उनकी पिता का वचन रखने के लिए पुत्र कल राजा बनने वाले थे लेकिन जंगल की ओर गए, पिता की आज्ञा को, उनकी वचन को सिद्ध करने के लिए। ये दोनों स्टोरी पढ़ाइए, आप बताओ कि बच्चे कौन सा स्टोरी पढ़ के अच्छे बच्चे बनेंगे। ये बात है। अगर आप चाहते हो सच में कि भविष्य में इस देश में अच्छे लोग रहे, बच्चे अच्छे रहे, रामायण को सत्य के रूप में पढ़ाना होगा। माइथोलॉजी नहीं, ये माइथोलॉजी शब्द जो है मिथ्या से आता है। माइथोलॉजी नामक शब्द अंग्रेजी में था ही नहीं, तो उसके अंदर डाला गया है माइथोलॉजी शब्द। माइथोलॉजी का अर्थ यह है कि जो झूठ है। अभी इतना हमारे अंग्रेजों ने हमारे शिक्षा प्रणाली के ऊपर प्रभाव डाला कि आपका बच्चा जब स्कूल जाता है वो पढ़ के आता है रामायण महाभारत दोनों माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का अर्थ जो है मिथ्या से आता है, मिथ्या का अर्थ है झूठ। यानी आपका बच्चा स्कूल जाके सीख के आता रामायण महाभारत झूठ है, और आप के दादा परदादा अनेकों अनेक लोग राम जी का नाम जप करते, राम का वो पूजा करते हैं, और आपका बच्चे को भेजेंगे स्कूल में जहां वो पढ़ के आता है राम कृष्ण सब झूठ है, महाभारत झूठ है, रामायण झूठ है।
कितना बड़ा अत्याचार है देखो आप। इसलिए रामायण महाभारत इतिहास है, पुराण हमारे 18 पुराण हैं, एक एक पुराण के साथ में 18 उपपुराण हैं, 18 उपाख्यान हैं। इतना इतिहास का कोई अंत नहीं, इतना बड़ा इतिहास लेके हम एक तो टेक्स्ट बुक में ये चीज पढ़ाते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी मेरे को रमीशानंद ऋषि कहते हैं कि त्वया खलु पुराणानि, आप निश्चित रूप में पुराण और इतिहास को अच्छी तरह से जानते हो। पुराणों में सारी राजाओं की वंशों का, चंद्रवंश सूर्यवंश की राजाओं का, सारे लोगों का नाम रहता है, सबके बारे में कुछ ना कुछ वर्णन रहता है पुराणों में। लेकिन एक विशेष राजा का वर्णन बड़े विस्तार से करने वाला जो ग्रंथ है उसको इतिहास कहा जाता है। ये चंद्रवंश एक महान राजा हुए कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण के रूप, स्वयं भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में आए और उनके बारे में विस्तार से वर्णन करने वाले जो ग्रंथ है उसको महाभारत कहा गया, महाभारत इतिहास हुआ। और सूर्यवंश की राजाओं में एक महान राजा हुए वह रामचंद्र, तो रामचंद्र के बारे में विस्तार से वर्णन करने वाला ग्रंथ है रामायण। पुराण इतिहास में अंतर है, इतिहास एक विशिष्ट राजा के ऊपर विस्तार से वर्णन करना, पुराणों में सारे राजाओं का वर्णन रहता है संक्षिप्त में रहता है भले। ये त्वया कलु पुराणानि से इतिहासानि, पुराण इतिहास को जानते हो, त्वया कलु पुराणानि इतिहासे इतिहासानि च अनघा, साथ साथ में आप अनघा, अनघा शब्द का अर्थ क्या है, पाप रहित हो। अघा, अघा मतलब पाप, अनघा मतलब जिसके अंदर पाप नहीं है। जो भागवत की वक्ता होता है ना, कम से कम उनको 4 नियम तो पालन करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए और साथ साथ में उनको मांस नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। ये जो 4 नियम जो पालन करता है वो व्यक्ति ही शुद्ध हो सकता है। मांस खा के, लहसुन प्याज खा के कोई भागवत का वक्ता नहीं बन सकता, वो मनुष्य नहीं बन सकता, दूसरी बात छोड़िए। और जो जुआ खेलता है, जो सट्टा खेलता है, वो भागवत का वक्ता नहीं बन सकता, उनका चरित्र परफेक्ट होना चाहिए, स्त्री संघ पुरुष संघ से दूर रहना चाहिए, अवैध स्त्री संघ से दूर रहना चाहिए, ये भागवत की वक्ता के लक्षण है। पाप रहित जीवन जो बिताता है वही व्यक्ति भागवत की वक्ता बन सकता है। दूसरे शब्दों में नैमिषारण्य ऋषि सुत गोस्वामी पाद का गुणगान करते हुए सारे समाज को कह रहे, देखो ये भागवत का वक्ता का लक्षण है। ऐसा नहीं कि 5 चबाते जा रहे और भागवत की भागवत भी बोलते जा रहे हैं, ये कहां का न्याय बताइए। त्वया कलु पुराणानि से इतिहासानि च अनघा, पवित्र व्यक्ति के मुख से ही भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो चाय कॉफी भी नहीं पीता हो, ऐसा नहीं कि ठीक है भाई भागवत तो 3 घंटे का है, 1 घंटे में बोलते जा रहे हैं तो आप सब लोग थोड़ा चाय का बेक लीजिए, हम चाय पी के वापस आए, ये क्या है, कोई कौन सा भागवत की वक्ता है। आख्यात्यान अधीतानि धर्मशास्त्राण्यान्युता, कि आप केवल पुराण इतिहास को ही नहीं जानते हो और साथ साथ में आप स्वयं भी पवित्र हो और साथ साथ में आप क्या है, आख्यात्यान अधीताने, अनेकों अनेकों बार इन पुराणों को, इतिहासों को, धर्मशास्त्रों को आपने अध्ययन किया, अध्ययन करके आपने क्या किया, उनके ऊपर आख्यान भी किए हैं। अध्ययन करना मतलब पढ़ना, श्रवण करना, और आख्यान करने का अर्थ कीर्तन करना, यानी आपने बहुत बार कीर्तन किया है, बहुत बार श्रवण किया है। देखिए भक्ति के अनेकों अनेक अंग है, भगवान का पूजा करना भी एक अंग है और प्रणाम करना एक अंग है, भक्ति के अंग है, 64 अंग है और उसको प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन उनमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है, वो है श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन। आप जितना अच्छी तरीके से भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन करोगे, उनकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करोगे, उतना हमारे हृदय में साक्षात्कार होता है, भगवत साक्षात्कार होता है। इसलिए इधर कहा गया आख्यात्या नदीतानी,
हे सुत गोस्वामी पाद, आपने बहुत बार अध्ययन किए हो, श्रवण किए हो और आप उनको इसके ऊपर आख्यान भी किए हो। आख्यात्यान अधीतानी धर्मशास्त्राण्यान्युता, आप धर्मशास्त्रों को भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। आगे कहते हैं, यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण नीच मुने सूता परावर विदु। ये सातवां श्लोक है जिसके अंदर भागवत की वक्ता का अन्य गुणों का वर्णन किया जा रहा है। तो भागवत की वक्ता का अन्य गुणों का वर्णन करते हुए क्या कहा जा रहा है, यानी वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण। देखिए, भगवान बादरायण मतलब व्यासदेव, व्यासदेव के द्वारा दिया गया सिद्धांत जो है वो श्रेष्ठ है। वेद विदाम श्रेष्ठ, सारे वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ कौन है, व्यासदेव। क्यों, स्वयं व्यासदेव तो वेदों की रचना किया, उससे बढ़कर कोई जान सकता है क्या। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदायत पत्र नेत्र हिरत्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। तो व्यासदेव का प्रणाम मंत्र में ये बात आता है कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, उनका बुद्धि बड़े विशाल है और उनसे बढ़कर कोई चीज जान ही सकते, क्योंकि साक्षात नारायण है व्यासदेव। व्यासदेव को वर्णन किया जाता है, व्यास कौन है, व्यास विष्णु के अभिन्न है। व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णु रूपाय व्यासवे नमो वै ब्रह्मण दये वाशिष्ठाय नमो नमः। ये व्यासदेव के प्रणाम मंत्र है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि व्यासाय विष्णु रूपाय, स्वयं व्यास विष्णु के रूप है, विष्णु रूपाय व्यासवे, विष्णु स्वयं व्यास के रूप में आए। तो इधर व्यासदेव के द्वारा स्थापित यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, यानी वेदांत सूत्रों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। ऐसा नहीं कि पुराण इतिहास के अंदर कहानियां जान लिया, नहीं, भागवत की वक्ता को वेदांत जानना जरूरी है। खाली कुछ कहानियां सुना के दूसरों को रुला के खुद रो के चले जाना, ये भागवत की वक्ता या भागवत नहीं कहा जाता है। वेदांत मालूम होना चाहिए, क्योंकि भागवत क्या है, वेदांत के ऊपर वो भाष्य है, वेदांत का वो टीका है। वेदांत का टीका होने के नाते अगर वेदांत नहीं जानोगे तो भागवत कैसे जान पाओगे। तो इसलिए भागवत की वक्ता को वेदांत मालूम होना चाहिए, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण। और साथ साथ में अन्येच मुनय सूता, अन्येच मुनय, अन्य मुनिगण है जो वेदांत के विरुद्ध कुछ सूत्रों को रचना किए, जैसे न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, योग, पूर्व मीमांस, उत्तर मीमांस, ये इस प्रकार के षड दर्शन हैं जो बड़े विख्यात है, लेकिन सभी 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 के सब गलत है। न्याय के शास्त्र के प्रणेता गौतम जी कहते हैं कि सब कुछ जो है वो अणु से आया है। जो कनाड़ जो वैशेषिक सिद्धांत के प्रणेता है वो कहते हैं सब कुछ जो है अणुओं का मिश्रण से आया है। कोई कहता है, कपिल कहते हैं कि नास्तिक कपिल, देवयुति कपिल नहीं, नास्तिक कपिल कहते हैं सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति के पीछे प्रकृति और पुरुष यानी जीव और प्रकृति के अलावा कुछ नहीं, भगवान की कोई जरूरत ही नहीं है, नास्तिक। और कर्म मीमांस योग मीमांस योग कहते हैं कि आपको कुछ योग करते रहना है, बस परमात्मा का साक्षात करो, परमात्मा क्या हमको कुछ नहीं मालूम, परमात्मा करके है बस। तो सांख्य योग, बाद में पूर्व मीमांसवादी कहते हैं बस आप कर्म करते जाओ, फल का चिंता मत करो फल अपने आप भगवान देंगे ही, आप कर्म करो तो फल देंगे ही। ये देखिए, भगवान को भी कर्म के बाद कर देते कर्म मीमांस के दर्शन दार्शनिक। और वेदांत में एक भाग है मायावाद, वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, ब्रह्म कैसा है बताओ, तो उनका हाथ ना, ना पैर ना कुछ नहीं। तो अन्य चाहिए नहीं, गलत सिद्धांत है, इन गलत सिद्धांत को भी मालूम होना चाहिए। भागवत की वक्ता को सही क्या है वो भी मालूम होना चाहिए, वो गलत क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। अगर मान लो उनको खाली यही मालूम है सही क्या है, अगर उसके उनके सामने गलत चीज को प्रस्तुत किया जाए तो वो समझ नहीं पाएंगे, उसको भी सही मान के बैठ सकते। इतना ही नहीं, अगर उनको केवल सही सिद्धांत मालूम है, गलत सिद्धांत मालूम नहीं है, तो सही सिद्धांत को पेश बराबर नहीं कर सकते, उसको बराबर पेशा नहीं सकते, उसको ऊपर दिखा नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते।
इसलिए अन्य गलत सिद्धांत के अपेक्षा में ये भागवत की महिमा को गान करना, ये भागवत की प्रस्तुतिकरण का तरीका है। श्रील प्रभुपाद जी हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हमेशा इस बात के ऊपर कहते हैं कि ओद मायवादी से सो, मायवादी गण इस प्रकार कहते हैं लेकिन ये गलत है, ये सही क्या है देखो। तो अंधेरे की तुलना में प्रकाश प्रकाशवान होता है। अगर अंधेरा ही नहीं है किसी को नहीं मालूम, प्रकाश का प्रकाश की महिमा जो है कोई नहीं जान सकता। इसलिए भागवत जो है वो गलत सिद्धांतों के लाइट में, इन डिफेंस विद द रॉन्ग फिलॉसफीज, ये भागवत सिद्धांतों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए भागवत की वक्ता को गलत सिद्धांत भी मालूम होना चाहिए सही सिद्धांत के साथ में। तो इधर कहा गया है, यानि वेदविदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्येच मुनयः सूता परावर विदुः। जो परावर यानी कॉज एंड इफेक्ट, यानी वेदांत की बात हो रही है, तो भागवत की वक्ता को वेदांत मालूम होना चाहिए और अन्य गलत सूत्र है जैसे न्याय वैशेषिक जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी वे तत्व सौम्य तत्सर्व तत्तस्तुर्ग्रात प्रूयुस्तिग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यं प्युता। अभी तक आप इतिहास जानते हो, वे इतिहास पुराण जानते हो, दूसरा वर्णन किया किस प्रकार आप पाप रहित हो, तीसरा वर्णन किया किस प्रकार त्वयागल पुराणानि से इतिहासानि चानक आख्यात, आप बहुत बार इसके ऊपर आख्यान किए हो, प्रवचन दिए हो, और तीसरा धर्मशास्त्र, चौथा धर्मशास्त्र जानते हो, पांचवा वेदांत भी जानते हो, अन्य गलत सिद्धांत भी जानते हो, और बाद में कहा गया है सबसे महत्वपूर्ण बात है वेद तत्त्वम सौम्या, सारे तत्वों को आप जानते हो, क्योंकि आपने गुरु का दिल जीत लिया है। कैसे जीता है? आपका स्वभाव से, अपना आपका जो स्निग्ध स्वभाव है, प्रयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युता, आपके गुरु ने बहुत गुह्य बातों को आपके हृदय में प्रकाशित किया। कैसे प्रकाशित किया, क्यों प्रकाशित किया? क्योंकि आपकी नम्रता देखिए, देखिए एक शिष्य होता है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है नम्रता, ह्यूमिलिटी। जो नम्र है वो व्यक्ति हर चीज जान सकता है, खास करके गुरु का कृपा प्राप्त, गुरु का कृपा पात्र बन जाता है। गुरु ने आपको गुह्य बातें बताया, क्यों बताया? क्योंकि ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य, आप स्निग्ध शिष्य हो, आप बड़े नम्र शिष्य हो, गुरो गुह्यम प्युता, गुह्य बातों को कहा। अभी तक उन्होंने सुत गोस्वामी पाद को गुणगान करते हुए भागवत की वक्ता का जो गुण होना चाहिए, क्वालिटी जो होना चाहिए, उन सबको नैमिषारण्य ऋषियों ने वर्णन किया। अभी आगे वो प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। आगे के श्लोकों में आपको 6 प्रश्न प्राप्त होंगे। नैमिषारण्य की ऋषियों ने सुत गोस्वामी के प्रति 6 प्रश्नों को पूछे, वो क्या है वो 6 प्रश्न हम अगली बार जानने के लिए प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तंत्रा श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।